तो दोस्तों, आज हम लोग जो प्रिंट करने वाले हैं वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग जो प्रिंट करेंगे ये चूड़ा है। चूड़ा पे आज हम लोग फ़ोटो प्रिंट करने वाले हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि टाइम और टेम्परेचर इस पे कैसे लगाना है, आपको फ़ोटो कैसे प्रिंट होगी, इसके ऊपर साइज कैसे आता है, इसमें कितने साइज आते हैं, कहाँ से मिलेगा आपको, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए आलोक सब्लिमेशन टेक। ये देख पा रहे होंगे आप, मेरे पास बहुत सारे डिज़ाइन के जो है यहाँ पर चूड़ा आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें आपका फ़ोटो लगने वाला है। और यहाँ पर आपका ये देखिए कितनी जगह आपकी फ़ोटो लग जाएगी, एक चूड़े में आपको दोनों साइड फ़ोटो प्रिंट होगा आपका। ये देखिए, एक इधर होगा आपका और एक बैक साइड में, मतलब कि ये दोनों, मतलब एक चूड़े में दो साइड में फ़ोटो आपका प्रिंट हो जाएगा। ये सब्लिमेशन प्रिंटिंग के द्वारा हम लोग इस पर फ़ोटो प्रिंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रिंट होगा। ये देखिए, इस डिब्बे में आपको पैकिंग कुछ इस तरीके से मिलेगी। ये देखिए, कई डिज़ाइन में चूड़े हैं आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ये देखिए, कुछ एक डिज़ाइन ये है आपका, और साइज़ अलग अलग साइज में आपको मिलेगा, जो भी साइज जो आपको चाहिए उस साइज़ का मिल जाएगा। एक डिज़ाइन ये है, देखिए बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन में है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपका फ़ोटो प्रिंट होगा, इधर एक फ़ोटो प्रिंट होगा, दोनों चूड़ा में चार फ़ोटो आप प्रिंट कर सकते हैं बढ़िया से। और अगर आपको नाम लिखने की रिक्वायरमेंट है कि अगर हमको नाम भी चाहिए, तो नाम के लिए अलग से मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए दे दिया हूँ। उसके लिए आपको अलग से नाम कैसे लिखा जाएगा, कहाँ पर लिखा सकता है, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो लेकर के आऊँगा। तो ये देखिए, अगर इसमें भी बढ़िया इसका डिज़ाइन है, आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। ये तो देखिए, नाम लिखने के लिए जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर आप इसमें अगर नाम इसमें भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर नाम आप मेंशन कर सकते हैं। कैसे करना है इसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दिया हूँ, आप चूड़ा पे नाम कैसे लिखेंगे उसके लिए आप अपने से कर सकते हैं। चूड़ा ये देख रहे हैं, ये देखिए अलग अलग डिज़ाइन में आपको अलग अलग साइज, जो भी साइज़ आपको चाहिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये देख पा रहे होंगे, ये साइज़ मेरे हाथ में जो डिज़ाइन आपको दिख पा रहा है, ये अलग से डिज़ाइन है। देख रहे हैं कितनी बढ़िया है डिज़ाइन आपके सामने ये जो है। और इस डिज़ाइन में आप फ़ोटो कैसे प्रिंट करेंगे, टोटल हम इस वीडियो के अंदर आपको शेयर करने वाले हैं, आपको बताएँगे टाइम टेम्परेचर मशीन के अंदर कैसे होगा और किस मशीन में ये प्रिंट होगा, इसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो देखते रहिए आलोक सब्लिमेशन टेक। तो डिज़ाइन कैसे होगा, साइज़ इसका आप कैसे नापेंगे, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जहाँ पर दिया है फ़ोटो बनाने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है फ़ोटो लगाने के लिए। तो हम लोग जो है यहाँ पर फ़ोटो लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे इसके लिए चलिए हम देखते हैं वीडियो को आगे की तरफ। तो पहले आप इस साइज़ को नाप लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो ये साइज़ दिया हुआ है, मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ,
कैमरा थोड़ा ऊपर करिए, यहाँ पर ये देखिए, ये दिख पा रहा होगा यहाँ पर जो स्पेस बना हुआ है, इसको पहले हम लोग स्केल से नाप लेंगे बढ़िया से। नापने के बाद जो है हम लोग इसको फ़ोटो का साइज़ क्राफ्ट कर लेंगे। उसको मैं आपको डिज़ाइन सिस्टम पे कंप्यूटर के ऊपर ले चलता हूँ, वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि डिज़ाइन कैसे करना है। ये आप यहाँ पर समझ लीजिए, पहले इसको आपको नाप लेना है जो भी साइज़ होगा, क्योंकि इससे बड़े में भी आ जाएगा प्रिंट करने के लिए, और इससे छोटा में भी साइज़ आपको हो सकता है, हार्ड शेप में भी हो सकता है। नाप लेंगे स्केल की सहायता से, ये आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में। किस तरीके से डिज़ाइन होगा, ये फ़ोटो आपकी कौन सी लगानी है, फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, चलिए हम आपको वहाँ पर दिखाते हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो चलिए दोस्तों देखिए, हम लोग जो है सिस्टम पे आ गए हैं। साइज़ जो बनानी है, जो चूड़ा पे हमको फ़ोटो प्रिंट करनी है, उसको हम लोग निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है, अब इस फ़ोटो को मुझे चूड़ा में लगाना है, चूँकि अलग अलग फ़ोटो मुझे लगानी है। आप चाहें तो एक फ़ोटो लगा सकते हैं, चाहें तो चारों फ़ोटो जो है अलग अलग आप सेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग अलग डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ये देखिए हमने जो है फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है और इसको हम लोग फ़ोटोशॉप में ले जा रहे हैं। अगर आप फ़ोटोशॉप से काम करते हैं तो फ़ोटोशॉप से कर सकते हैं, कोरल ड्रॉ वगैरह अगर आप यूज करते हैं तो उससे भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो चलिए हमने इसका साइज़ जो है ले लिया है, अब इस साइज़ में हम लोग क्राफ्ट कर लेते हैं। इसकी लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर मैंने रखी है, जो मुझे लगा कि 3 सेंटीमीटर में आएगी, और इसकी चौड़ाई जो है 2 सेंटीमीटर में। ये देखिए रेजुलेशन जो है आपको 300 रखना है। फ़ोटो ये आपको किस तरीके से क्राप करनी है, कहाँ से आपको लेना है, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मुझे यहाँ से फ़ोटो को इसको लेना चाहिए, तो मैं इसे यहाँ से ले लेता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से फ़ोटो आपकी क्राप हो जाएगी। ये देखिए लाइट वगैरह आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने लाइट बढ़ा दिया है इसमें, इस तरीके से आप लोग भी इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग चारों फ़ोटो जो है पहले डिज़ाइन कर लेते हैं, क्राप कर लेते हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि ये प्रिंट जो होगा ये सब्लिमेशन पेपर पे सब्लिमेशन इंक की सहायता से मिरर प्रिंटिंग होगी। तो आप लोग सीधा प्रिंट इसको ना निकालें, क्योंकि ये ट्रांसफ़र प्रिंटिंग है। तो आपको दोस्तों जो फ़ोटो मुझे लगानी है चूड़ा के ऊपर, मैंने इसको डिज़ाइन कर लिया है। आपके सामने 4 फोटो यहाँ पर दिख रही होगी, तो ये 4 फोटो हम जो है चूड़ा के ऊपर प्रिंट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसका सब्लिमेशन पेपर पर सब्लिमेशन इंक की सहायता से प्रिंट निकाल लेते हैं। ये देखिए प्रिंटर में प्रोसेस में जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना, अगर आपके पास कई प्रिंटर अटैच हैं तो वहाँ पर आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रिंटर दिख रहे हैं, तो मैं सबसे ऊपर जिस पे मुझे प्रिंट करना है उस प्रिंटर को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। अगर आप लोगों को प्रिंटर, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था सर प्रिंटर आप कैसे सेट करते हैं, तो मैं उनके लिए बता दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप इस साइज़ को आप सेलेक्ट करेंगे जो साइज़ में आप प्रिंट दे रहे हैं। जैसे A4 साइज़ का मैंने पेपर लगाया, तो यहाँ पर हम लोग A4 साइज़ को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर पेपर टाइप जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ प्रीमियम या इस तरीके से रख देते हैं, हमको यहाँ पर मैट रखना है ताकि ये बढ़िया से प्रिंट हो पाए। और यहाँ क्वालिटी जो रखनी है हमको हाई में रखनी है, स्टैंडर्ड में नहीं करना। और कलर ये प्रिंट देना है हमको, और मिरर ही प्रिंट निकलेगा आप लोगों का, क्योंकि ये मिरर ट्रांसफ़र होगा। तो ये देखिए मैंने प्रिंटर को सेट कर लिया है इस तरीके से। अगर और डिटेल में प्रिंटर सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो एक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, जा करके आप वहां से चेक कर सकते हैं, मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं इसको प्रिंट करते हैं। ये देखिए मैंने प्रिंट दे दिया है सब्लिमेशन पेपर पर, सब्लिमेशन इंक की सहायता से ये प्रिंट निकलना शुरू हो गया है।
आप देख पा रहे होंगे मैंने प्रिंट दे दिया है इसको। ये देखिए दोस्तों, प्रिंट आउट हमारा निकल चुका है, अब हम लोग जो है इसको प्रिंट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं चूड़ा के पास, जहाँ पर हम लोगों को प्रिंट करनी है, किस जो मिलती है सीट के ऊपर हम लोग इसको पेस्ट करने वाले हैं। तो ये देखिए साइज़ के हिसाब से आप लोग इसको कटिंग कर लेंगे पहले बढ़िया से, चारों तरफ मिरर प्रिंट निकला हुआ है सब्लिमेशन पेपर पे, सब्लिमेशन इंक की सहायता से। ये देखिए हम लोग इसकी पहले कटिंग कर लेंगे बढ़िया से इस तरीके से, ये देखिए कटिंग करने के बाद ये देखिए ये सीट जो प्रिंट के लिए हम लोगों को मिली है, ये देखिए इस तरीके से आपको सीट मिलेगी ये, जिसके ऊपर हम लोग फ़ोटो प्रिंट करेंगे। और आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर ये जो है ये स्टिकर टाइप का है, यहाँ पर गमिंग है जिसको आप निकाल करके आप इसको उसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर चूड़ा सेट में जहाँ पर इसको लगाना है। तो चलिए हम लोग पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं, फिर आपको ये मैं बताता हूँ ये कैसे प्रिंट हो, मतलब ये कैसे आपका सेट होगा। यहाँ पर गमिंग रहती है, आपको केवल सिंपल सा प्रिंट करना है और इसमें जो है पेस्ट कर देना है। ये देखिए, तो देखिए ये कटिंग मैंने कर लिया है इसको, और अब हम लोग जो है एक एक को बराबर में लगा करके इस पर जो है वो कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको बराबर सेट कर लेंगे, और सब्लिमेशन टेप की सहायता से हम लोग जो है इसको वो कर देंगे, इसको बराबर से इसको लॉक कर देंगे ताकि ये इधर उधर प्रिंट आपका ना हो, कुछ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हम लोग जो है बराबर से इसको जो है देख करके जिधर हम लोगों को प्रिंट करना है इसको हल्का सा साफ़ कर लेना है, इसमें कुछ रहे ना डस्ट वगैरह, नहीं तो ये आपके उस पर प्रिंट पे आ सकता है। इस तरीके से करने के बाद हम लोग इसको बराबर में ऐसे लगा करके इसको सब्लिमेशन टेप की सहायता से इसको लॉक कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से कर देंगे इसको, ये देखिए इस तरीके से हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे सब्लिमेशन प्रिंटिंग ऐसे, इसको बढ़िया से देख पा रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, अगर आप पुराने हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की और वीडियो लेकर के आता रहूँ। ये देखिए ये मेरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, अब इसके बाद जो है हम लोग इसको प्रिंट करेंगे। ये देखिए किस पे प्रिंट होगा ये, चलिए हम लोग अब मशीन के पास चलते हैं। टाइम टेम्परेचर क्या होगा ये सारी जानकारी के लिए आप वीडियो पे बने रहिए। ये देखिए ये लग चुका है, चार फोटो का मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे 5-in-1 हीट प्रेस मशीन पे, जिस पे हम आपको दिखाएंगे कि आपको कैसे प्रिंट करना है।
हम लोग अब 5-in-1 हीट प्रेस मशीन के ऊपर आ गए हैं, जहाँ पर हम लोगों को प्रिंट करना है। तो ये देखिए, पहले हम लोग मशीन को सेट कर लेंगे इस पर। ये देखिए, चूँकि अटैचमेंट अलग अलग रहता है, तो हमको जिसमें प्रेस करना है, जिसमें प्रिंट करना है, इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग मशीन को ऑन कर देते हैं। कुछ इस तरीके से मशीन हमारी ऑन हो गई है, ये देखिए। और अब हम लोग इसका टाइम और टेम्परेचर सेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, मोर की बटन हम लोग प्रेस करेंगे इसको। 290 मिनिमम टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर 330 दिख रहा है, और टाइमिंग 75 सेकंड दिख रहा है यहाँ पर आपको। तो ये देखिए, मोर की बटन प्रेस करके हम लोग जो इस पर प्रिंट करने वाले हैं, वो इसी 290 पे ही करने वाले हैं। मिनिमम टेम्परेचर 290 पे, मैक्सिमम टेम्परेचर 330 पे, और टाइमिंग जो है इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे। टाइमिंग को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा करके रखेंगे, उसको रखेंगे 80 सेकंड पे रखेंगे। ये देखिए, 290 330, इसको माइनस कर देते हैं थोड़ा सा, और इसको टाइमिंग जो है थोड़ा बढ़ा देते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हो गया है। देखिए, मशीन हीट होना शुरू हो चुकी है। अब ये मशीन हीट हो जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए, नीचे जो है इसके ऊपर यहाँ पर हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। तो चूँकि सीट आपकी जो है ये बहुत पतली है, इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर आपको कुछ रखना होगा, ताकि ये बराबर सेट हो जाए। ये देखिए, अगर इसको डायरेक्ट रखेंगे तो इसी में दब जाएगी, चूँकि ये सीट काफ़ी पतली है। तो आप लोगों को इसके नीचे कुछ जो है पेपर ही एक लगा करके थोड़ा सा मोटा करके इसके ऊपर रख देना है। ये देखिए, जैसा कि पेपर ये आप मेरे हाथ पे देख पा रहे होंगे, ये देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा इसे मोड़ लेंगे, ताकि ये जो है इसके ऊपर बराबर दबाव बन सके। जब दबाव रहेगा तभी आपका प्रिंट बढ़िया आ पाएगा। ये देखिए, मैंने इसको सेट कर लिया है, थोड़ा सा अलग मशीन से थोड़ा सा अलग ऊंचा करके इस पर हम लोगों ने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है। ये देखिए, इसको इस तरीके से हम लोग जिस साइड प्रिंट आपका लगा हुआ है, इसको हम लोग ऊपर की तरफ रखेंगे, ताकि बराबर जो है हम लोगों का प्रिंट आ जाए। ये देखिए, इस तरीके से हम लोग बराबर में इसको सेट कर देंगे। अभी हम लोग एक चूड़ा के लिए ये फ़ोटो जो है बना रहे हैं। आप लोग चाहें तो एक साथ में 4-6 चूड़ा का भी प्रिंट कर सकते हैं, चाहे जितने चाहें उतने चूड़ा पे एक साथ में आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। इसको रखने के बाद हम लोग टफलान सीट को इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए, टफलान सीट को रखने के लिए थोड़ा सा मशीन की भी क्वालिटी बनी रहेगी, और प्रिंट की भी क्वालिटी इससे बेटर रहेगी। तो इसलिए आप जो है टफलान सीट का यूज़ करिए। ये देखिए, यहाँ पर आपका प्रिंट इधर उधर हो रहा है, तो इसको आप लोग थोड़ा देख करके सही कर लीजिए, नहीं तो प्रिंट गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर से आपको करना पड़ेगा ये सब। तो ये देखिए, हो गया है। अब हम लोग मशीन को देखते हैं कि टाइम टेम्परेचर अभी नहीं हुआ, जब इसका टाइमिंग पूरा होगा तो ये मशीन बीप की आवाज़ करेगी, तब हम लोग इसके ऊपर प्रिंट करेंगे। देखिए, अभी कुछ टाइम यहाँ पर बचा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, टाइम पूरा होने वाला है। जैसे ही मशीन बीप की आवाज़ करेगी, हम लोग जो है मशीन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए, हमने इसको पूरा तैयार करके रखा हुआ है। देखिए, मशीन ने आवाज़ कर दी है, बीप की आवाज़ मशीन ने किया। अब हम लोग जो है इसको थोड़ा सा इसको डाउन करेंगे नीचे की तरफ। ये देखिए, इसको डाउन करेंगे थोड़ा सा, ताकि ये दबाव बढ़िया से बन सके। यहाँ से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ताकि ये दबाव बढ़िया से इसके ऊपर बन सके। ये देखिए, अभी प्रेशर अभी कम है, तो हम लोग थोड़ा सा प्रेशर देंगे इसके ऊपर, थोड़ा दबाव रहेगा तभी आपका प्रिंट बढ़िया आ पाएगा। थोड़ा सा ये देखिए, ज़्यादा प्रेशर हो गया थोड़ा सा, और ये देखिए इस तरीके से। फिर लास्ट वाली बटन हम लोग जो है इसको प्रेस कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, इसका टाइमिंग शुरू हो चुका है दोस्तों, प्रिंट हो जाए फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। ये देखिए, इस तरीके के वीडियो दोस्तों देखने के लिए एक बार मैं फिर से आप लोगों को बोलना चाहूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप लोग पुराने हैं तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की और वीडियोस लेकर के आता रहूं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये टाइम आपका हो रहा है, टाइम ये प्रिंट हो जाए, फिर उसके बाद कैसे ये सेट होगा चूड़े के ऊपर। ये जो कि चूड़ा आपको दिख रहा है, इस चूड़े पे कैसे प्रिंट होगा, मैं इस चूड़े पे आपको सेट करके दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को दोस्तों कोई डाउट है कैसे प्रिंट होगा, ये कहाँ पर कैसे सेट होगा, उसके बारे में अगर कोई भी। ये देखिए दोस्तों, कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं मशीन में, तो जैसे ही मशीन बीप की आवाज़ करेगी, हम लोग मशीन को ऑफ करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग प्रिंट को निकालेंगे और चेक करेंगे। तो ये देखिए, मशीन ने आवाज़ कर दिया है, अब हम लोग इस प्रिंट को निकालेंगे। पहले हम लोग मशीन को ऑफ कर देंगे यहाँ से, ये देखिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको जो है ऊपर उठाएंगे। तो
थोड़ा सा इसको जो प्रेशर क्योंकि बहुत ज़्यादा दबा हुआ था तो इसको हम लोग जो है थोड़ा सा ऊपर मशीन को करेंगे पहले, फिर उसके बाद निकालेंगे। ये देखिए आराम से इसको, क्योंकि ये बहुत ही पतला वो है। ये देखिए हमारा प्रिंट आ चुका है कुछ इस तरीके से। चलिए हम लोग देख लेते हैं इस पर प्रिंट कैसा हुआ है आपका। ये तो ये देखिए कितना बढ़िया प्रिंट आया हुआ है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं आपको सारा निकाल के दिखाता हूँ। उसके बाद ये गमिंग इसके अंदर है, हम लोग इसको सेट करके भी देखने वाले हैं। ये देखिए ये देखिए कितना बढ़िया HD क्वालिटी में प्रिंट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए ये देखिए, तो चलिए हम लोग इसको सेट करके चूड़ा पे इसको सेट करते हैं। कैसे सेट होगा ये हम आपको दिखाते हैं, चूड़ा के ऊपर इसको सेट करके कैसे सेट होगा आपका ये। ये देखिए दोस्तों प्रिंट आउट निकल चुका है। चलिए अब हम लोग इसको सेट कर लेते हैं कैसे बनेगा। ये देखिए चूड़ा सेट है आपका, इसमें आपको कैसे सेट करना है इसको आप देख लीजिए यहाँ पर। तो आप कैसे इसको सेट करेंगे, ये देखिए हम लोग चूड़ा को इस तरीके से निकाल लेंगे बाहर कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये चूड़ा है आपका, यहाँ पर साइज जो है मैंने चेक किया था, लेकिन किसी में तिरछा रह सकता है, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, तो हम लोग देखेंगे कौन सा किस में सेट हो रहा है आपका। ये देखिए आप देख पा रहे हैं ये बराबर यहाँ पर किस में सेट हो रहा है, उस हिसाब से जैसे यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो हम लोग इसको ऊपर से क्राफ कर देंगे यहाँ से हल्का सा कुछ इस तरीके से। ये देखिए क्राफ करने के बाद कटिंग जब कर देंगे हम लोग, तो ये इसमें आपका आसानी से इसके अंदर सेट हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका सेट हो जाएगा। तो चलिए इसके अंदर गमिंग है, हम लोग इसको निकाल के पहले सेट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से निकल जाएगा आप, और सावधानी पूर्वक इसको जो है आप लोगों को इसको करना है। ये देखिए ये देखिए बराबर से करके हम लोग इसको सेट कर देंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम लोग इस साइड में भी निकाल करके इसको पहले चेक कर लेंगे इसमें कौन सा आ रहा है, उसके बाद जो है ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा साइज चूँकि इसमें भी हल्का सा बढ़ा हुआ लग रहा है, तो इसको भी हम लोग कटिंग कर लेंगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ से। प्रिंट आपका इस तरीके से होना चाहिए दोस्तों कि हल्का सा एडजस्टमेंट आपका किया जा सके। ये देखिए चूँकि 19-20 हो सकता है, इसमें 100% वो नहीं आ सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा जो है प्रिंट करने से पहले। ये देखिए बराबर तो सेट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर बढ़ा हुआ दिख रहा है यहाँ पर। ये देखिए थोड़ा सा नीचे से एडजस्ट करेंगे हम लोग इसको कुछ इस तरीके से। ये देखिए साइड से भी थोड़ा सा लग रहा है मुझे, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड से भी करूँगा कुछ इस तरीके से, और ये इस तरीके से हम लोग इसको सेट कर देंगे इसमें। चलिए इसके अंदर पहले गमिंग वाला जो है इस सीट हम लोग इसको निकाल देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर देख करके करना है आपको सीधा उल्टा, क्योंकि एक बार जिस साइड में कर देंगे उसी साइड में दूसरा वाला भी आपका होना चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये देखिए बहुत सावधानी पूर्वक इसको करना है आप लोगों को, क्योंकि एक बार फिक्स होने के बाद फिर ये निकलेगा नहीं आपका, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान दे करके इसको बराबर से फिक्स करना होगा।
ये देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग इसको फिक्स कर देंगे। ये देखिए एक सेट आपका ये तैयार हो गया है, और दूसरा इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे। ये देखिए ये चूड़ा है, इसमें आप हल्का सा इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे ताकि इसको जो है पेस्ट करने में आसानी हो। तो इसमें उल्टा सीधा तो आपको कुछ इस तरीके से करना नहीं है, ये चूंकि किधर से भी डाल देंगे तो उल्टा सीधा जो है इसमें इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सेटिंग हम लोग इसको चेक कर लेंगे, पहले देख लेंगे कहाँ पर कितना फिक्स हो रहा है, इस तरीके से आप इसको फिक्स कर देंगे। ये देखिए थोड़ा सा हमको इस साइड में लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा है, जिससे हम लोग थोड़ा कटिंग कर देंगे। ये इस तरीके से इसको गमिंग निकाल करके सीट को आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये एक तरफ, जैसे मैं इसको इधर लगा रहा हूँ तो दूसरा वाला फ़ोटो जो ही इसी साइड में वो भी रहेगा, ये नहीं कि एक इस साइड में लगा दिए दूसरा उधर में तो उल्टा हो जाएगा आपका। ये देखिए इस तरीके से हम लोग इसको सीट को बढ़िया सा सेट कर देंगे। ये देखिए दूसरा भी इसी तरीके से हम लोग इसको लगा देंगे, इसको चेक कर लेते हैं पहले। ये देखिए बराबर है साइज़, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ मुझे दिख रहा है, तो इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए अगर हो सके तो आप लोग इसको पहले ही सेटिंग कर लें ताकि दिक्कत ना हो बाद में, इस तरीके की दिक्कत ना आए जो मैं बाद में कर रहा हूँ, इसको आप लोग पहले ही चेक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पर सेट हो जाएगा, इसमें गमिंग जो है इसको हम लोग निकाल करके इसको सेट कर लेते हैं। ये देखिए चूड़ा इसको देख लेंगे, ये किस साइड लगा हुआ है, इसी तरीके से हम लोग इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। ये देखिए ये देखिए इसको देख करके बराबर से आपको इसको सेट कर देना है। ये देख रहे हैं इस तरीके से आपका सेट हो जाता है। ये देखिए दोस्तों आपका चूड़ा जो है कंप्लीट हो चुका है। चूड़ा कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इसका फेस दिखता है। ये देखिए ये देख रहे हैं आप इस तरीके से चूड़ा एक सेट आपका दिखता है। ये देखिए दूसरा सेट है आपका कुछ इस तरीके से, देखिए ये दिख रहा होगा आपको। ये देखिए ऐसे पूरा सेट आपको मिलता है यहाँ पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर लें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो बना सकूं। ये देखिए इसकी पैकिंग कुछ इस तरीके से रहेगी, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पर सेट कर देते हैं। ये देखिए इसको सेट करने के बाद ये देखिए जो कि यहाँ पर आपको इस चूड़ा के साथ आपको इसके साथ चूड़ी भी मिलती है। ये देख रहे हैं आप पूरा सेट आपको इस तरीके से कम्प्लीट होकर के दिखाई देता है। ये देखिए फ़ोटो आप देख ही पा रहे होंगे कि कैसा प्रिंट हुआ है, कैसा दिख रहा है ये आपको। तो इसको प्रिंट होने के बाद ये पैकिंग आपकी कुछ इस तरीके से हो जाती है, कस्टमर को देने के लिए ये आपका तैयार है। इस तरीके से हम लोग इसको पैक कर देते हैं। ये देखिए जैसा कि पैक आपके पास आया हुआ था, एक बार फिर से ये कस्टमर को डिलीवरी के लिए तैयार है आपका चूड़ा से। ये आप देख सकते हैं ये आपका बॉक्स है जिसके अंदर ये पैक होगा चूड़ा कुछ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से बॉक्स आपका पैक हो जाता है।